और ये वेव कर रहे हैं यहाँ पे मोहतरमा। $100 to $200 सस्ता है यहाँ पे आईफोन। ये देखो ये हमारी प्लेट आ गई सच के, ये सारी चीजें हम खाने वाले हैं। योर नेम? करीना, करीना कपूर। ये बड़ी खूबसूरत थी मोहतरमा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते मेरी वीडियो आई है तो उसको डिलीट कर दो नहीं तो कट कट कट। तो दोस्तों स्वागत है आपका तजिकिस्तान की एक और नई वीडियो में। हम लोग हैं यहाँ के कैपिटल दुशानबे में और इस वीडियो में आपको दिखाते हैं मॉडर्न दुशानबे, मॉडर्न तजिकिस्तान, यहाँ के मॉल, यहाँ के फैशनेबल लोग, यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत, समझ गए आप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग टैक्सी करके आए थे यहाँ पे दुशानबे मॉल, रुदाकी पार्क से दुशानबे मॉल की जो टैक्सी का किराया आया वो हम आया सिर्फ 10 समोनी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब टैक्सी में बैठ जाते हैं तो मीटर जो है वो 10 समोनी से ही शुरू होता है, 2.5 से 3 किलोमीटर आप चलते हैं तब जाके 11 समोनी होता है, ठीक है। तजिकिस्तान में जो गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, आईफोन भी बहुत सस्ता है, लगभग $100 to $200 सस्ता है यहाँ पर आईफोन। तो चलिए अब मॉल के अंदर चलते हैं, यहाँ आके आपको कुछ शॉपिंग वगैरह दिखाते हैं। 37 seconds later. तो दोस्तों अभी हम मॉल के अंदर आए और बाहर एक सिक्योरिटी पर्सनल थी, मोहतरमा थी, उन्होंने रोक लिया हमें कि मॉल के अंदर शूटिंग नॉट अलाउड। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, मॉल के अंदर तो लोग आराम से वीडियो बना लेते हैं, इसमें क्या है। तो फिर उसने अपने सीनियर को बुलाया, तो फिर उनसे मैंने बातचीत की, तो कहते क्या करना है। मैंने कहा यार हम लोग तजिकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं और यूट्यूबर्स हैं तो वीडियो बनाएंगे तो आपका दुशानबे में और टूरिस्ट आएंगे, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा। तो फाइनली ही सेड ओके, उन्होंने ग्रीन झंडी दिखाई, कहते यार जाओ घूमो एक्सप्लोर करो। तो बस अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं और ये वेव कर रहे हैं यहाँ पे मोहतरमा, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? दलोमा जनोना, नाइस ये जनाना है, ये मुझे पहले कहती कि आई लव यू, ऐसा कुछ दिखता है यार मॉल, ठीक है। तो दुशानबे का ये पहला मॉल एक्सपीरियंस है हमारा, काफ़ी साफ सुथरा है, पहली चीज़ तो ये नोटिस में आ रही है। तो वैसे यार ये मॉल तो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है, सेकंड फ्लोर पे मैं आया हूँ और सेकंड फ्लोर पे ही यहाँ पे फूड कोर्ट है और बस ऊपर इनका टेरेस वगैरह बना हुआ है, तो बस इतना ही है। और एक ये बेसमेंट जा रही है, ये भी यही बाद में चेक करेंगे यहाँ पे क्या है। एक चीज़ है कि यार लोग इतने खूबसूरत हैं ना यहाँ पे, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनकी क्या स्किन है इतनी खूबसूरत सी। 3-4 दिन से ना हम एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, पिलाफ खा रहे हैं, बारबेक्यू चिकन लेग्स वगैरह खा रहे हैं, तो यहाँ पे होपफुली हमें कुछ अलग मिल जाएगा, कुछ ढूंढेंगे, कुछ नॉन वेज मिल जाए, कुछ चिकन मिल जाए, कुछ लैम्ब समथिंग लाइक दैट। तो चिकन ढूंढ रहे हैं हमें, या दिस यू आर टाइपिंग समथिंग ना? नहीं है। तो दोस्तों फाइनली कुछ हटके हमें दिखा है, ये यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया खाने को और बहुत कुछ तो मिल गया, उसके साथ साथ कुछ वेज वाली चीज़ें भी मिल गई हैं और चिकन में बहुत सारी आइटम्स मिल गई हमें। ये देखिए चिकन करी है यहाँ पे, ये राइस है, पास्ता है, चिली चिकन वगैरह है, और यहाँ पे भी कुछ है, पम्पकिन है, पोटेटोज है, ये चिकन पैटी टाइप है, ठीक है पूछ लें। और ये लेग पीस वगैरह यहाँ पे, ये बीफ आ गया, यहाँ पे भी चिकन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, और कुछ पेस्ट्रीज वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये कुछ ऐसी इनकी दुकान है यहाँ पे, प्लस उसके अलावा ना ये तो ये देखो ये हमारी प्लेट आ गई सच के, ये सारी चीज़ें हम खाने वाले हैं, ये समसा वगैरह भी यहाँ पर हमारे मिल गए हैं। तो भाई ये है हमारा खाना जो हम खाने वाले हैं, चिकन विद राइस, ये है चिकन समसा, ये एक ब्रेड ले लिया हमने यहाँ पे, और साथ में ये दो टंगड़ियाँ भी ले ली हैं। वहीं जाके दिखा देना यार खाना जो है ना, ये हमें टोटल कॉस्ट किया अराउंड 73 सुमानी, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ बनते हैं कुछ 550 रुपया। वैसे बताऊँ क्वांटिटी के हिसाब से ना
जितनी चीज़ें हमने ली है, दो बंदे खा रहे हैं तो 550 ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो चिकन जो है थोड़ा सा ड्राई है, और वंस अगेन ये जो बारबेक्यू वाली टंगड़ी होती है ना, ये वाली, इसी ने हमारा साथ ज़्यादा दिया। ये बहुत सॉफ्ट है, जूसी है, मज़ेदार है। फ्यूस्टी भी हमने लिया, फ्यूस्टी हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे ना जब भी खाना वगैरह खाने बैठते हैं ना फ्यूस्टी ले लेते हैं, वो अच्छी ड्रिंक है ना, सही लगी ना फ्यूस्टी? फ्यूस्टी अच्छी थी, ग्रीन टी टाइप ही होती है, नहीं चाय होती है बट आइस टी टाइप होती है, सॉरी। तो अभी जैसे सबको पता कि रमज़ान चल रहे हैं, इस वक्त 6:30 बजे हैं, रोज़ा तोड़ने का वक्त हो चुका है, और यहाँ पे ना सभी लोग जो हैं अपने अपने टेबल पे बैठ गए हैं, अपना अपना सामान लेके खाने पीने का। और कितना अचानक से ना सडनली इतना अच्छा सा माहौल बन गया यहाँ पे, सब लोगों ने, जैसे अभी भी यहाँ से देख सकते हैं पूरा रश हो चुका है, सब लोग यहाँ से खाने पीने का सामान ले रहे हैं यहाँ पे। और ये अपना पाकिस्तानी भाई लाला। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था मॉल, आपको सारा दिखा दिया, फूड कोर्ट दिखा दिया, खाना जो हमने खाया वो भी दिखा दिया। एक भसड़ हो गई थी, जैसे मैंने अभी शॉट ले रहा था तो रमज़ान चल रहे थे, तो एक लेडी आ गई बड़ी खूबसूरत सी मोहतरमा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते मेरी वीडियो आई है तो उसको डिलीट कर दो, नहीं तो कट कट कट। मैंने कहा क्या कट कट कट? कहती नहीं माई हस्बैंड विल किल मी, कुछ ऐसा शायद बोल रही थी। तो ताजिक थी, लैंग्वेज मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी, बट मैं यही समझ पा रहा था कि उसकी भावना ही समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। बेसिकली वो कह रही थी अगर मेरी वीडियो आई है तो प्लीज़ मत डालना। तो थोड़ा गुस्सा भी हो रही थी, मुझे लग रहा था बीच में जैसे थोड़ा मजाक के मूड में है। बाद में मुझे अपने पास से लेके आई, तो अपने पास बुलाया उसने, एंड मुझे कहती कि मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दो। तो मैंने उसको अपना यहाँ का जो लोकल ताजिक नंबर है वो दे रहा था, तो उसमें मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा था। तो वो कहती नो व्हाट्सअप, मैं कहा नहीं नो व्हाट्सअप। तो फिर वहाँ से फिर मुझे अपना उसने हाथ वाथ मिलाया और मुझे अपना नाम बताया कि ये मेरा नाम है, मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड बस वहाँ से फिर हम नीचे आ गए हैं अभी, तो ATM से हमें थोड़े से पैसे निकालने हैं, पैसे ना हमारे पास ख़त्म हो गए। और वैसे तो हमने प्लान किया था कि अब 2 दिन रुकेंगे दुशानबे में, पर ये सिटी मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी खूबसूरत लगी, हमने सोचा एक दिन यहाँ पे और रुकते हैं। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट कंट्री जाने वाले हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, गेस करके बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। तो भाई ये ATM लगे हुए हैं, चेक करते हैं यार। हाँ सर, वो नहीं निकाल लेना, ये वही कार्ड है जो तरफ के तरफ चल नहीं रहा है क्या? उस तरफ चला चला भाई, चल तो रहा है भाई, क्या हो गया तुझे यार? आप कह रहे हो मेरा साइड में, अरे हम चलाएंगे सब चलेगा। देखो भाई यार बड़ा शरीफ बच्चा है यार, मैं कहता हूं यार मैंने करो ये बहुत करता है मेरे जैसा वैसा। ओ देखो देखो पैसे पैसे आ गए, ओ लाले लाले तू पैसे दिखा दे यार, कितने कटे? लो जी लाले जी, बहुत पैसे है, देखो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ये लगता थोड़ा है लेकिन है बहुत ज्यादा। नया नया कार्ड आया भाई, चेक कर लेते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था, अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई, इंग्लिश निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये देखो वो देखो भाई साहब, ये निकले पैसे, निकाल जल्दी लो भाई, समोनी निकल गए हैं जी। ये देखो 50 का नोट, 50 का नोट, ये देखो 100 के नोट, ये इस तरह से है कुछ करेंसी की, ठीक है। तो चलो तैयारी होगी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे अगली वीडियो में। क्यों ची हाँ, सो प्रिटी, इट्स प्रिटी मामा, क्यों ची। तो ये कैच, व्हाट्स द नेम, कैच, योर कैच, नो, हाँ, योर नेम, करीना कपूर, भाई पैसे निकाल लिए ATM से, और कल भी हम दुशानबे में ही हैं, और लड़कियाँ यार फ्लर्ट कर रही थी हमारे साथ, पहले तो हम ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे फ्लर्ट करने की, फिर वो हमसे फ्लर्ट कर रही थी, शी सेड कि आई एम मैरिड, मैंने कहा नहीं मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उसके अलावा चलो ये तो सब चलता रहेगा यार। एक पीछे ये जो शोरूम्स वगैरह ना यार, कपड़े माशाल्लाह इतने सुंदर हैं ना यहाँ पे, मतलब टर्की वगैरह से शायद इम्पोर्ट वगैरह होते हैं, तो टर्की वगैरह से यहाँ पे ना कपड़े वगैरह इम्पोर्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा फैशनेबल है यार यहाँ के लोग। चाय पीनी है? कुछ ज़्यादा ही सही कपड़े हैं यार, सीरियसली मैन, अमेजिंग है यार स्टफ़, अमेजिंग है भाई। भाई साहब जैकेट देखो, एक एक जैकेट ऐसी है जो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जगह नहीं है हमारे बैग्स में। ये देखो यार, वाह मैन सही है यार, ये देख लो, कोई चीज़ देख लो यार, ये देख लो, ब्यूटिफुल स्टफ़ मैन, बैग्स देख लो यहाँ पे,
ये देखो भाई, ये देखो जैकेट, देखो कलर, देखा जैकेट का क्या ही स्टफ है यार। ये देखो स्वेटर्स देखो। तो मेरे बैटरी हो रही है कैमरे की लो, तो मिलेंगे आपको जल्दी अगली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लो, बहुत मज़ेदार रील्स बना रहा हूँ, यहाँ का अलग कंटेंट है, वहाँ का अलग कंटेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।